दिस इज वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन विच द वाटर ऑल सीवेज वाटर सारे भाइयों ना राम राम भाई मैं उतारा देसी पत्रकार करमू आड़ को लिखण लाग रहे थे भाई और बहुत बढ़िया बढ़िया देशभक्त गाना की तरफ ध्यान पड़ा गुरुकुल तक्षशिला है धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा गुरुकुल मेरा एक टाइम होया करता गुरुकुलीय व्यवस्था हार दी आप गुरुकुल हम पढ़िया करते अपने विचार अच्छे हार दे पवित्र मन होया करता तो उस वजह तक क्या फर्क पड़ा करता वह संस्कार पूरी जिंदगी काम आया करते लेकिन पाश्चात्य सभ्यता आई और उस पाश्चात्य सभ्यता का ध्यान दिया हमारे संस्कार टूटते गए और भाई देश का ढांचा भी टूटता गया तो यह गुरुकुलीय व्यवस्था हार दी तो गुरुकुल है यू डांड पुंडरी पुंडरी के आसपास का इलाका है हमारे आज गुरुकुल तक्षशिला के द्वितीय वार्षिक महोत्सव में हमारे देशी पत्रकार कर्मू और दीप गेमर खेलते जान पड़ गया उनका हरियाणा के अंदर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है हरियाणा न्यूज और जनता टीवी और कर्मू धर्मू हमारे संसार क्रांति एक न्यूज चैनल है लाइव कई लाखों दर्शक ऑनलाइन आपका कार्यक्रम गुरुकुल देख रहे हो ये गुरुकुल का वातावरण है पीछे हमारे गुरुकुल के बारे में जानकारी भी लेवाने साथ अभिवादन कर्म और धर्म देसी पत्रकार राम राम क्रांति से आपके राम राम लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं तो इसे आप देख रहे हो काफी सारे लोग आ रहे हैं गुरुकुल की व्यवस्था है पांचवी कक्षा से एक छोटा सा ब्रह्मचारी है एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है अभिवादन करें जोरदार तालियों के साथ ये गुरुकुलीय व्यवस्था है भाई और इन व्यवस्थाओं को दोबारा लागू करने की जरूरत है हमारे देशी पत्रकार मंच के सामने नमस्कार जी सर नमस्कार संस्कार क्रांति लाइव टेलीकास्ट लाखों लोग इस गुरुकुल तक्षशिला को देख रहे हैं नमस्कार जी हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है राम राम करते गुरुकुल में बैठे हैं राम राम भी करते नमस्ते राम जी राम राम जी नमस्कार जी सत श्री अकाल जी सारी बोल दी ऑलराउंडर आप तो गुड इवनिंग जी गुड आफ्टरनून अच्छा विटामिन डी ले रहे हो विटामिन डी बिल्कुल विटामिन डी और गुरुकुल तक्षशिला के लिए 130 किलोमीटर दूर यहाँ आके जो ऋषिपाल गहलोत जी ने यहाँ पर एक पौधा लगाया है इसको 2 साल पूरे होने वाले हैं और पूरे तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं राम को सार्थक कर दिया ऋषिपाल ऋषि की पालना करने वाले गुरुकुल बना दिया और बहुत मेहनत करते हैं 2.5 घंटे आते हैं 2.5 घंटे जाते हैं सप्ताह में 3 दिन आते हैं बहुत ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं वैदिक परंपरा और आधुनिक शिक्षा का जो तालमेल आपका शुभ नाम मेरा नाम सविता गहलोत है हाँ जी बिल्कुल गृह मंत्रालय आपने संभाला बिल्कुल जी गृह मंत्रालय संभाला क्या इसको ये संभालते पर जब भी कोई ओकेजन होता है तो मैं इनके साथ आती हूँ और यहाँ पर पूरा सहयोग इनका है क्या कह जी कभी कभी नू भी आड़ का हाथ ला लिया गुरुकुल आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं वैदिक शिक्षा भी सुबह शाम यहाँ पर हवन यज्ञ होता है और बहुत ज्यादा मतलब मेहनत कर रखी है यहाँ पर हवन भी होता है और गुरुकुल में अपनी पुरानी संस्कृति भी है संस्कार भी है आधुनिकता का मिश्रण भी है तो अपना तो एक प्राचीन टाइम में गुरुकुल आते उस लेवल तक पहुँचा दोगे कोशिश तो है जी पर आधुनिकता को टिकाए रखने के लिए बच्चों को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है पर जो आप अब यहाँ का प्रोग्राम देखेंगे जो पुराने जमाने की मलखंड वगैरह वो पुरानी परंपराओं के साथ है महिलाएं हैं अभिभावक जो आए हैं उनसे आप बात भी करते होंगे केक में मतलब उनका थोड़ा सेटिस्फाई है बिल्कुल बिल्कुल आप पता करो बाकी हमें तो पता है वो कहते हैं नहीं जी बहुत अच्छा काम है मैं आकर इनसे मिलती रहती हूँ कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे बना रखे अच्छी थीम है मतलब छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी रहा था बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है ये गुरुकुलीय शिक्षा का ही कमाल है बड़ा बेबाकी के साथ बिल्कुल बेबाकी के साथ संस्कृत में आपने शायद कविता सुनी होगी संस्कृत में कविता थी हिंदी में थी देशभक्ति में थी और अपने महर्षि दयानंद सरस्वती की जो परंपरा है जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी उसको देखते यहाँ पर बहुत ज्यादा आप ऋषि जी से जुड़ने के बाद आर्य समाज से जुड़े या पहले से ही मैं तो जी बचपन का सुना करती आप नए गीत सुना दूं छोटी ही थी तब सुनने लगी थी एक आधी आप भी सुना दो तुम्हें एक आधी क्या बचपन में हम सुना करते छोटे छोटे थे बहुत छोटे तो ये गीत होया करता अपना हरियाणवी में
नीर भरू की दयानंद ने घोड़ा डटाए छोटू राम यारिया हो गे बेबे एक घुट पानी प्या दे मैं तने देख के आया है छोटू राम यारिया हो गे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुभकामनाएं आपको। तो ये इधर अभिभावक बैठे हैं और काफी अच्छा प्रांगण बना रखा भाई और सही पूछो तो मन में भी मजा आ रहा है गुरुकुल में मजा आ गया यही से इसी गुरुकुल में हो गया गुरुकुल सही हो हाँ जी हाँ जी पूरी अच्छी बड़ी अच्छे तुम सारे इसे गुरुकुल तो सही मतलब अच्छी कमी कमी हो तो बता दे बढ़िया सर सर कोई कमी नहीं जी कोई कमी नहीं जी आशीष जी ताड़े से जी बस ताड़े से जी अंकुल कौन सी चक्की काटा करता तू कहाँ से दिल्ली रोहित जी रोहित रोहित गंगा टेडी मोहित आ रही है पानी बस अजय आ रही है नरू खेड़ी गेम गेम में भाग ले क्या आज गेम वॉलीबॉल गेम है बास्केटबॉल अलग हाँ जी हैंडबॉल बास्केटबॉल पढ़ो भी है खेला भी है सारे काम करने अच्छे काट रहे तो गुरुकुल तक्षशिला में छोटे बच्चे की प्रस्तुति देख सो आप कितने जबरदस्त तरीके की प्रस्तुति है ये प्रस्तुति ये विचार और संस्कारों का खेल है। तो गुरुकुल तक्षशिला के जो मैनेजमेंट में सचिव हैं रामपाल जी मार्गल मौजूद हैं नमस्कार करते हैं नमस्कार जी और जी क्या कुछ व्यवस्था करके हमारा द्वितीय वार्षिकोत्सव चला हुआ है और शुभकामनाएं है दीपावली का अवकाश बच्चों का जाने वाला है तो उससे पहले हमारा वार्षिकोत्सव होने की परंपरा है तो उसको निभा रहे हैं। क्या किस किस तरह किस ढाल की तैयारी रखी है क्या अभी आप देखते जाओ अभी शुरुआत हुई है कार्यक्रम की तो प्राचार्य इसके को डॉक्टर संत कौशिक जी है जो तो और चीफ गेस्ट कौन बुला रखे हैं अभी चीफ गेस्ट ब्रिज किशोर कुठालिया जी आए हुए हैं चेयरमैन हरियाणा शिक्षा परिषद के और प्रदीप कुमार जी आई एस है आओ मिलवाता हूँ उनसे आपको चलो चीफ गेस्ट से मिलते हैं हमारे चेयरमैन ऋषिपाल गाला जी प्रदीप कुमार जी नमस्ते जी कैसे हो जी हमारे दर्शकान नमस्ते कर दीजिए सभी को नमस्कार। मैं गुरुकुल में एंट्री करने से पहले कह रहा था मैं एक वो टाइम था जो गुरुकुल ये व्यवस्था थी आज वह ढोलमूल होगी व्यवस्था तो कैसा महसूस कर रहा है जिस ढंग से पूरे देश के अंदर शिक्षा का सतर गिरा है अच्छे अच्छे मॉडर्न स्कूल बने हैं लेकिन उन स्कूलों के अंदर जो मॉरल एजुकेशन है धार्मिक शिक्षा है वो पढ़ाई नहीं जा रही है मसूरी में नैनीताल में कसौली में हर तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सबसे अहम जो शिक्षा की कमी है तो वह मॉरल एजुकेशन की तो मैं निदेशक मौलिक शिक्षा अधिकारी हूँ पूरे हरियाणा का लेकिन इस विद्यालय में आने के बाद जो देखा कि बच्चों को मॉरल एजुकेशन के ऊपर ध्यान है स्वामी दयानंद की जो विचारधारा है वो पढ़ाई जा रही है तो निश्चित तौर के ऊपर मैं इनको बधाई देती हूँ। तो बच्चा देख सको आप पीछे कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है ये लगातार बोल रहा है काफी देर से ये होता है जोश गुरुकुल के बच्चे का और सुंदर के माध्यम से हमारे ब्रह्मचारी राम राम, 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 राम। पुत्र मेरे मैं प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला मैं अध्यापक हूँ वाइस चांसलर भी रहा हूँ और वर्तमान में हरियाणा में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद उसका अध्यक्ष का कार्यभार मेरे पास है। तो शिक्षा पद्धति की बात करें जी तो शिक्षा पद्धति की बात करें सर तो शिक्षा पद्धति अपनी टूटने लग रही है बिल्कुल तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए क्या चीज हालांकि गुरुकुल में बैठे हैं लेकिन गुरुकुलीय व्यवस्था को भी मजबूत बनाने के लिए सारी दुनिया मानती है कि आज से 8-10 हज़ार साल पहले भारत जो है वो एक ऐसी संस्कृति वाला देश था जो सर्वश्रेष्ठ थी उस संस्कृति में जो शिक्षा व्यवस्था थी जिसके कारण से भारत विश्वगुरु बन सका
उसको समझकर और उसको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उसका समावेश करके ये करने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ गुरुकुल व्यवस्था चलती है, जहाँ विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, वहाँ वहाँ ये व्यवस्थाएं प्राचीन और आधुनिक ये सब मिलकर के एक दूसरे के पूरक बनते हैं। कि फेसबुक और अन्य वेबसाइट चंद्रशेखर भगत सिंह उदम सिंह नमस्कार कटारे सब कैसा महसूस कर गुरुकुल प्रांगण में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और जैसे आपने देखा होगा फ्रांस इटली जर्मनी जापान ये सारे देश जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो किसी ने अपनी संस्कृति भाषा नहीं छोड़ी और अपने ही जो उनकी उपलब्धियां थी उनको उन्होंने उच्चतम क्वालिटी तक ले जाने की कोशिश की है। जबकि हमने अपनी जो हमारी पारंपरिक डेवलपमेंट्स थी जो भी हमारी जनरेशन से उपलब्धियां थी हम उनको छोड़ के एक बाहरी अंग्रेजी चलन को ज्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत को अपनी जड़ों को तो साथ में रखना पड़ेगा, जड़ों को तो पहचानना पड़ेगा, जड़ों से जुड़ना जरूरी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं पूरा का पूरा विवरण दे रहे हैं और ये गुरुकुल का प्रांगण है, गुरुकुल तक्षशिला और द्वितीय वार्षिक उत्सव है। मैं राजेश जी राम 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 जी राम राम सुता मार घर क्या आपने तुम चेहरा भला लिया ये तो बचपन से खा रहे हैं गांव में रहे हैं तो गांव में दूध दही का खाना हरियाणा का यही सब कुछ है। और गुरुकुल में बैठ के तो और भी फीलिंग आओगी। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं भाई कर्मो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और आप बधाई के पात्र हो कि आपने हरियाणवी बोली हमारी उसको अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे क्या कहते हैं पहचान दिलाई है जी, दिल की बोली है और मजा आ जाए। कभी कभी टाइम होता है हमारे पास थोड़ा बहुत फेसबुक हम भी देख लेते हैं वीडियो देख लो कभी कभार देख लेते हैं तो बड़ा मजा आता है कि भाई एक फीलिंग सी हो चंडीगढ़ में बैठ के भी कि भाई सबसे जुड़ रहे हैं सारी चीजें ठीक जी भाई। तक्षशिला में बैठे हैं जी हम जी और गुरुकुल नाम जब गुरुकुल बोला फीलिंग सी आवा गुरुकुल लेकिन गुरुकुल व्यवस्था तो पहले आकर थी बीच में बहुत ज्यादा इसमें त्रुटि आई दोबारा उसे लेवल पर पहुंच सका हम कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पर पहुंचने की। और ये जो भाई ऋषि ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है हम भाई ऋषि को भी इसके लिए धन्यवाद दिए हैं। नाम ही ऋषि है तो ऋषियों की परंपरा है इसको और आगे बढ़ा रहे हैं तो आज भाई ऋषि ने अपना नाम भी सार्थक कर दिया। रोचक दृश्य है गुरुकुल का ये पूरा कैंपस बना रखा है मेरे पास जो जानकारी सारी फैसिलिटी इस गुरुकुल में दी गई है। आमतौर पर जो वार्षिक उत्सव जिसने एनुअल फंक्शन कहते हैं उड़दंगबाजी होगा कई बार उसमें नहीं नहीं हमारे यहाँ सब वो कार्यक्रम हो रहे हैं जो बच्चों द्वारा निर्मित है कोई आर्टिफिशियल प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी। ये बच्चे अपने आप मेहनत करते हैं अपने आप ही कोरियोग्राफी करते हैं अपने आप ही सारा कार्य करते हैं। हमारा ये विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है ये हमारे बच्चों ने अपने आप ही बनाई है। हमारे यहाँ कपिल गहलोत जी हमारे भाई वो IIT कानपुर के पास आउट है वो इन बच्चों के साथ रहते हैं। आधुनिकता का मिश्रण है ये बहुत जरूरी है मतलब के बच्चे का मतलब ये नहीं है कि भाई आप एक्सप्लेन करेंगे हाँ शिक्षा पद्धति के साथ साथ आधुनिकता एक आध बच्चा नहीं लेंगे हाँ इनसे ये कौन सा प्रोजेक्ट है भाई दिस इज वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन विच द वाटर ऑल सीवेज वाटर ऑफ बोल रहे ये तो All sewage water of the city goes to the receiving tank and then it transfers to screening and gird chamber where heavy and solid particles stops and further rest particles go on and they settle down in sedimentation tanks and there is aeration tank which rotates and churns sand particles, heavy sand particles and then into fine particles and then comes secondary sedimentation tank where fine particles settle down and then comes filtration chamber where water is filtered out to be in purified form but still in the water there are microorganisms which can cause us diseases and there are UV rays which kills microorganisms and then water is transferred distilled and water plant ka product hai ki bhai पानी की बचत भी है इसमें और पानी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं कम से कम पानी हमें इस... जल है तो कल है जल ही जीवन है। चलो जी आगे बढ़ाएंगे बढ़िया 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 एक मिनट पहले आज मैं यहीं पे हूँ अभी बैठ के संध्या जो वहाँ नहीं करते तो यहाँ करते हैं बच्चे और हमने किसी हर कैंपस का ऐसा नाम दिया हुआ है
कि जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले। ये हमारी यूनिफॉर्म है बच्चों की, ये स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म है, ये गुरुकुल की यूनिफॉर्म है। चलो जी वापस इन्हें तस्वीरें पर छोड़ कर जाओगे तुमने, और ये बच्चों को देख सको आप, एक सुर में गा रहे हैं, एक सुर में, और ये स्पोर्ट्स में भी है। और आप देख सको पीछे LED लगाई गई है, LED की व्यवस्था करी गई है। ये चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी, इस तरह की चीजें, इस तरह की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद खास मेरे के लिए देसी रिपोर्ट में तब जुड़े, मैं उठा देसी पत्रकार कर मुझे हरियाणा को कुछ बहुत सुंदर। तीसरी टुकड़ी दोस्त उमंग उत्साह अपने चरम पर, चंद्रशेखर आजाद वर्ग। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे अभिभावक, ध्यान रखें बच्चों का उत्साहवर्धन अवश्य है। और तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। बैंड की टुकड़ी नेताजी सुभाष चंद्र के साथ, बैंड की टुकड़ी भव्य धुन के साथ मार्च पास करते हुए बहुत सुंदर वीर अभिमन्यु वर्ग। छोटे छोटे ब्रह्मचारी मंच के सामने से निकलते हुए बहुत सुंदर गुरु गोविंद सिंह वर्ग। संस्कार क्रांति के ऊपर और सभी हरियाणा के न्यूज चैनल के ऊपर ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है। बहुत सुंदर दिल थाम के बैठे रहिए। सुंदर वीर ताली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। बच्चों का